फुल करा लिया था और उसको टेढ़ी खड़ी करी ना, पेट्रोल लीक होने लग गया। ओ भाई साहब, लाइन देखो आप पेट्रोल की। Hey guys, welcome back to the new episode. होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं हूँ अभी जयपुर में, और जयपुर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बुलेट यहाँ पे ही है और वो मैं लेने आया हूँ अजमेर ले जाने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल प्लान थोड़ा सा ऐसा है कि अभी जो है मैं जयपुर, जैसे भी मॉर्निंग हो रहा है सुबह के 9 बजे, और अभी हमारा प्लान है यहाँ से खाटू श्याम जाने का, और खाटू श्याम से फिर वहाँ से अजमेर निकलेंगे। तो ये कुछ प्लान है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। जो बुलेट है वो मैंने यहीं रख रखी थी काफ़ी टाइम से, और अभी बहुत ज़्यादा तो एक तो गंदी हो रही है, उसका सारा काम या धुलवाना वगैरह सारा अजमेर में कराएंगे, क्योंकि अभी यहाँ करा नहीं सकते। मेरे को आज यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ स्टे नहीं करना है, इसलिए आज टाइम से निकलते हैं, क्योंकि मैं अजमेर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे बाइक में। तो गाइज अभी हम आए हुए थे थोड़ा सा क्या शेव बनवाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था शेव नहीं बनवाई थी। तो भैया यहाँ पे हमने शेव बनवाई थी और अपनी बुलेट पे अब हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा मैं क्या है कि फटाफट लेट हो रहे थे इसलिए हम निकल गए, क्योंकि गाड़ी वगैरह ज़्यादा गंदी हो रही थी। अभी मैं आपको हमारी बुलेट का व्यू भी दिखाऊंगा। तो गाइस अभी बज रही है 10 बज रही है और हमने शेव वेव करा ली, हम रेडी हैं। मुझे कटिंग वगैरह भी सेट करवाने थे लेकिन उसकी इतनी नीड नहीं है, वो अजमेर जाके करा लेंगे। तो अभी हम निकल गए, अभी हम बस 200 फुट के आसपास ही है। अभी ना तो हमने पेट पूजा करी है, ना चाय वाय ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया है। नहीं तो सबसे पहले गाड़ी को करवाते हैं कि यही हमें लेके जाएगी, तो इसको सबसे पहले पेट पूजा करवाते हैं, पेट्रोल वेट्रोल डलवाते हैं, और उसके बाद हम कहीं रास्ते में रुक के चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेंगे। अभी प्लान यही है। मेरे साथ मेरा कज़न भी है जो पीछे बैठा है, दो जने हैं। मैं पहले अकेला आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि ठीक है साथ में कज़न भी हो जाएगा, थोड़ी इसकी हवा वगैरह भी चेक करा लेंगे। होता क्या है ना, गाड़ी क्या है कि कम से कम 1.5-2 महीने से खड़ी है और किसने चलाई भी नहीं। ये आ गया है पेट्रोल पंप, अब भराते हैं यहाँ पे पेट्रोल। फुल करना है भैया? हाँ 1100 कर। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी है जो कि यहाँ पे क्या काफ़ी टाइम से पड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप शॉकर वगैरह ये सब ख़राब हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि इतने दिन हो गए यहाँ पे कोई केयर करने वाला था नहीं, और यहाँ मैंने रख रखी थी क्योंकि मेरा जयपुर आना जाना चल रहा था, तो उस वजह से भी आप देख सकते हैं। अभी क्या है ना, इसमें पेट्रोल वेट्रोल भरा लिया है, और अभी इसमें क्या थोड़ा सा ये हमने क्या गाड़ी टेढ़ी फुल करा लिया था और उसको टेढ़ी खड़ी करी ना, पेट्रोल लीक होने लग गया। तो यहाँ पर इसका कोई रबर भी कट गया, तो एक वो भी चेंज कराना, तो मैं सोच रहा हूँ सारा अजमेर जाके करवाऊँ क्योंकि गाड़ी पूरी, और इसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाने हैं मेरे को, तो वो भी करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत पूरी ख़राब हो रही है। अभी अजमेर जाके इसकी पूरी सर्विस वगैरह करवानी है। तो गाइस ये भी टेढ़ा हो रहा है, तो गाइस बस निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस सिर्फ एक है ना हवा भरवाना बाकी रह गया, क्योंकि यहाँ पे अभी 10 बज गई लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पर, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से, और बीच में फिर ब्रेकफास्ट और नाश्ता करेंगे, या बीच में कोई पेट्रोल पम्प होगा तो वहीं से ही अपन हवा वगैरह भरा लेंगे। अपन को यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहीं से ले लेते हैं। तो अपन को इधर नहीं, इधर आगे से फिर लेफ्ट आएगा, उधर लेना है। ये वाला टर्न अपन को ले रहा है, ये लिखा हुआ है सालासर वाला जी भी इधर है और खाटू श्याम जी भी इधर है। तो अभी आज अपन जाएंगे खाटू श्याम जी। तो गाइस अभी क्या है कि 2-4 जगह हमने देखा वहाँ पे हवा भरने का नहीं था पंप पे, तो अभी हमें लास्ट टाइम मिल चुका है। 2-3 जगह देखा हवा ही नहीं थी, और उसके बाद अब यहाँ पहुँचे हैं, अब यहाँ निकल गई है। हरमाड़ा के आसपास ही हम, हरमाड़ा से थोड़ा सा बाहर निकले ही हैं। तो पीछे वाले को जो पीछे गाड़ी खड़ी थी उसको भी बुरा लग गया कि उसको वो दिख ही नहीं रहा, जो जो गाड़ी आगे आए जा रही है वो उसका भरे जा रहा है। मैं खुद उसके गाड़ी वाले के बाद आया था, पर मैंने लगा दी उसने भर दी तो ठीक है। वो बाहर उतर के भाई चिढ़ गया कि भाई पीछे वाले दिखाई नहीं देते क्या, ठीक है अब थोड़ी सी सही चल रही है गाड़ी, क्योंकि मेरे को भी फील हो रहा था काफ़ी हवा कम थी।
क्योंकि ट्रिप क्या है कि अब 300 किलोमीटर का तो ट्रिप हो ही रहा है दोनों, पूरा जो सर्किट है वो 300 किलोमीटर का तो है ही है। यार इधर कितना मस्त लग रहा है ना, ग्रीनरी वगैरह कितनी शानदार। इधर होता क्या है ना, आप ट्रिप कैसी भी हो पर ट्रिप ऐसी होनी चाहिए कि आप जो आपके जो रास्ते हैं उनके ऊपर मस्त सीन सीनरी या फिर अपने जो हरियाली है वो होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि असली मजा मंजिल का नहीं सफ़र का है मेरे दोस्त। जब लास्ट टाइम मैं गया था यहाँ से अलवर की तरफ, जब मैं बता रहा था जो सरिस्का में जा रहा था, तो वहाँ उससे पहले जो मैंने एक स्टॉपेज लिया था वो मेरे को बहुत सही लगा, बहुत शानदार हरियाली हो रही थी वहाँ पे। आप देखना अगर आपने मेरा अलवर वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो, वो मेरा सोलो ट्रिप था, काफ़ी सही राइड थी, मेरे को बहुत मज़ा आया था उस राइड में। एक्चुअली होता क्या है ना कि आप फिर मैंने जो भी किया ना वो सब कुछ मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ इच्छा हो रही थी मैं वहाँ रुक रहा था, मेरी जहाँ इच्छा थी वहाँ पे मैं मतलब शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। तो यार बहुत ही ज़्यादा पतली बना रखी है कहीं कहीं से। ये है यहाँ पे पेड़ वेड़ भी है, छाँव है, आराम से यहाँ खड़े होके और पी लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो गाइस ये रही अपनी दंदों, जिसकी अलग देख देख के मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा है, पर ठीक है। ये चाय की दुकान है, यहाँ पे रुके हैं, बोल चाय की दुकान है, ये यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा। ठीक है आउट तो ऐसा नहीं कहूँगा, हाईवे है ठीक है, हमने देखा भाई छाँव वाँव है क्या, थोड़ा सा जगह सही लगी, यहाँ रुक गए, अभी चाय वाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वापस बाइक पर। आगे जा रही है अपने सामने सफारी, जो कि अपनी कुछ पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। जय श्री श्याम, वाह देवाय नमः। जो है ना ये टाटा ने जो अपने डिज़ाइन निकाली है, जैसे सफारी हो गई, हैरियर हो गई, तो इनका लुक बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगी सफारी और हैरियर दोनों। तो एकदम बल्कि गाड़ी लगती है कि चलता है कि कोई, यार रोड पर तो चल रही है गाड़ी। इसी तरह अपन अपनी बुलेट को भी बनाएंगे, इसको थोड़ी सी बल्की बनाएंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं, ट्राई करता हूँ मैं क्या क्या इसमें कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। ये देखिए क्या शानदार लग रहा है इधर पूरा ग्रीन। ये थार थार जा रही है अपनी, थार हमारा लव है भाई, लव है, बहुत प्यार है हमें थार से। देखिए कितनी सेक्सी लगती है ना यार गाड़ी, गाड़ी रखने वाला होना चाहिए, ये तो ब्रांड न्यू शोरूम गाड़ी है, इसके नंबर भी नहीं आया अभी, टेम्परेरी नंबर है। क्या यार क्या लग रही है, देखो आप चेक करो क्या शानदार गाड़ी लग रही है ना एकदम। ब्लैक कलर तो इस पर बहुत जस्ता है, बहुत जस्ता था के ऊपर ब्लैक कलर, ब्लैक कलर जैसी गाड़ी नहीं करते। ये देखो भाई साहब, अरे यार ये कैसे देखना रस्सी पकड़ के भाई सो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे गिर गुरा जाए। रिंगस सिटी खाटूश्याम, और खाटूश्याम जी 19 किलोमीटर है यहाँ से, खाटूश्याम जी यहाँ से एक बोर्ड बता रहा है 19 किलोमीटर, एक बोर्ड बता रहा है वो 29 किलोमीटर, चल क्या रहा भाई। क्या ही साउंड आ रहा था कैमरे में, अगर वीडियो में रिकॉर्ड हुआ हो तो क्या ही साउंड आ रहा था अपनी बाइक का यार, इतना लाउड साउंड कर रहा था ना, मतलब मैंने भी पहली बार सुना इतना लाउड साउंड एक बार पहले मैंने भी ट्राई किया था, ट्राई तो क्या किया था मतलब आए थे हम भी पैदल ही आए थे, मतलब ट्रेन से हम यहाँ खाटू श्याम आ गए थे, रिंगस आ गए थे, और रिंगस से फिर हम पैदल पैदल चल रहे थे। लेकिन ये था कि हम रात को 11-12 बजे वहाँ पहुँच गए थे खाटू श्याम मंदिर के वहाँ पर। देखिए मंदिर से करीबन एक किलोमीटर दूर, आधा एक किलोमीटर दूर पे क्या है कि बहुत उस समय भीड़ बहुत आ रही थी, और पट खुलते सुबह 6 बजे, ठीक है। तो पूरी रात हम खड़े रहते उस लाइन में, चले थे धीरे 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 धीरे, और फिर वहाँ धीरे धीरे जैसे सुबह पट खुले
उसके बाद हमने दर्शन किए। तब वहाँ से घर आने के बाद थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो गई थी, क्योंकि चलते नहीं है ना, ऐसा हमारा शेड्यूल है नहीं कभी कि यार वॉक करना है इतनी लंबी लंबी। अरे कोई नहीं अड़ी यार, थोड़ी सी गाड़ी का टच हो गई उसकी, उसका टेम्पो हिल गया। अरे पहिए अड़े यार कह रहा है मारवाड़ी में बोल रहा है कि पहिया ही तोड़ा है, नहीं कह रहा है कि तेरा क्या जाएगा, तू तोड़ा के भेड़ के चला जाएगा श्याम बाबा के मंदिर। ओ भाई साहब लाइन देखो आप पेट्रोल की, ओ भाई लाइन देख, पेट्रोल पंप की लाइन इतनी लंबी यहाँ पे तेरी पे। बहुत गंदी चला रहे, मतलब मैंने पूरे रूट से अभी इस वाले रूट के ऊपर ही 10-15 किलोमीटर के अंदर ना ऐसे ऐसे लोग देख लिए, तीन लोग देख लिए मैंने, इतनी गंदी गाड़ी चला रहे, मतलब ही नहीं है किसी से। गोल्डन वाटर पार्क, एक वाटर पार्क भी है यहाँ पे, खाटू श्याम जी, यहाँ खाटू श्याम जी का आ गया है बोर्ड लगा हुआ था, खाटू श्याम पधारे सभी श्याम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। तो आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी का यहाँ से एरिया पूरा स्टार्ट हो चुका है। हमें तो रास्ता मिल गया, बाकी फोर व्हीलर इधर अलाउ नहीं आने के लिए, ये छोटे टैक्सी वगैरह अलाउ है आने के लिए। और अभी हमने वहाँ से टर्न लेके और सीधा, नहीं टर्न नहीं लिया, मतलब हम तो सीधा निकल के आ गए बैरिकेड क्रॉस करके, और मंदिर है बिल्कुल सीधा सामने। इस टाइम भी इतनी पब्लिक आ रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये श्री श्याम शरणम लिखा हुआ है, और यही एंट्री गेट है यहाँ पर। हम ले सकते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक चल जाती है अपनी गाड़ी, ये ना मंदिर। तो गाइस हम पूछते हुए जा रहे हैं रास्ता, क्योंकि क्या हो क्या रहा है ना, सारे रोड फुल्ली चल रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि मंदिर किस साइड है, मतलब अगर हम वहाँ पे पार्किंग लगा देते तो मंदिर बहुत दूर रहता, तो और इसीलिए इन्होंने ये बैटरी वाले चला रखे टैक्सी, वे बैठ के अंदर तक जाने के लिए। बंद है क्या? तो गाइज अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में, हमने गाड़ी लगा दी है और अभी चलते हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं श्याम बाबा की गाड़ी वाड़ी पार्क करती थी, और पार्क करने के बाद अभी हम आ चुके हैं मार्केट में, ये मतलब मार्केट में नहीं है, मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और जैसा कि अभी भीड़ आपको दिखाता हूँ मैं कितनी भीड़ है। तो गाइज चलते हैं मंदिर, और पहले कुछ प्रसाद वगैरह ले लेते हैं श्याम बाबा के लिए और मंदिर में चढ़ाने के लिए, और उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ। अभी थोड़ी सी भीड़ हो रही है क्योंकि भोग वगैरह लग रहा है, तो 15 से 20 मिनट लगेगी, अभी खुल जाएगा, अभी सब पूरी भीड़ रुकी हुई है भाई लेट रही, जिसने भाई ने बताया मुझे कि भाई हाँ भोग वगैरह लग रहा है, तो इसलिए भीड़ को रोक दिया गया है, भोग लगने के बाद 15-20 मिनट और लगेंगे, बिल्कुल जाएगा गेट और फिर अपन निकलते हैं यहाँ से आगे दर्शन करेंगे। तो भाई अपट खुल गए हैं और अभी चलना स्टार्ट हो गई है लाइन, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ आई है मेरे पीछे, लेकिन और इतनी भीड़ आगे की तरफ भी है, देखा तो ना एक फैन लग रहा है ऊपर, वो दिखाता हूँ आपको, कितना बड़ा फैन है ये देखो, बहुत बड़ा फैन है, एक उधर लग रहा है एक वहाँ आगे लग रहा है, और उसकी हवा भी आ रही है काफ़ी, एक उधर लग रहा है, तो व्यवस्था वगैरह काफ़ी अच्छी है यहाँ पे भक्तों के लिए।
श्याम बाबा का मंदिर लगभग के सामने मंदिर ही है इधर, इसके पीछे की साइड वो दिख रहा है वहाँ से, थोड़ा सा ये टर्न करके घूम के जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं क्राउड, मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितना क्राउड है, क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो कि आस्था है तो लोग बाग आते भी हैं इतने। बाकी बस हमारा नंबर आने वाला है वहाँ से घूम के और बाबा के मंदिर बाबा से मिलने का। जय जय गाइस। तो हमने दर्शन वगैरह कर लिए थे वहाँ पे, श्याम बाबा के भी वहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था, पुलिस वालों ने थोड़ा सा मतलब मना कर रखा था क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है और क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वहाँ से भी हम फ्री होके बाहर आ गए थे, गर्मी बहुत थी, क्राउड भी बहुत था, तो फिर ब्लॉग शूट नहीं कर पाए और भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाए। मतलब हमने तो कर लिए पर मोबाइल में कैप्चर नहीं कर पाए। और अभी थोड़ी भूख लग रही थी तो आए हैं भोजनालय पर, आप देख सकते हो यहाँ पे खाना वाना खा के और यहाँ से अब निकलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मौसम तो ठीक हो गया है, धूप तो बंद हो गई है लेकिन उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खाना वाना खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। हे गाइस, तो हम खाटू श्याम से अभी जस्ट खाटू श्याम जी के टेंपल से वहाँ से नाश्ता वास्ता कर लिया था जैसा कि मैंने बताया था आपको, और वहाँ से अभी हम निकल चुके हैं। थोड़ा सा ही आए हैं, बस 2-3 किलोमीटर ही बाहर आए हैं और अब हम जा रहे हैं अजमेर वाले रूट पर, क्योंकि अब हमको सीधा अजमेर ही जाना है। तो आप देखिए, जैसे ही मैं थोड़ा सा निकला था यहाँ पे इतनी शानदार हरियाली और ग्रीनरी थी ना, तो मैंने कहा कि यार ये सीन कैप्चर करना बनता है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, कितने बहुत आते समय इतना ज़्यादा हरियाली नहीं थी और जाते समय जो रूट हमने दूसरा लिया है अजमेर का, तो ये आई थिंक थोड़ा सा गाँव वगैरह में से होके जाएगा। तो गाइस होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके के और अच्छे ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। तो आप नज़ारों को एंजॉय कीजिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा।